भाई बहन दो दिन से डब्बा रखा था, वो वापस करने जा रहे हैं आज। ये हमारा नकली पेड़ है, इसमें नकली फ्रूट लगा, नहीं फ्रूट तो असली है भाई, ये प्रसाद लगा हुआ पेड़ पे। बाय, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे। नया तो पहरा क्यों दे रही है, अंदर जाके बैठ जा, शामिल हो जा, चल ना दोबारा आ जा ना। कौन है नाम बता सबके, चला गया वापस। दोबारा से एंट्री लो चाचा, वीडियो नहीं बनी सर, एंट्री नहीं बनी, कैजुअल थी आपकी एंट्री। चाचा फल फेंक के मारेंगे मेरे सर पे, मार ले वो ड्रैगन फ्रूट पे। चाचा ये बोल रही है कि कीवी और ड्रैगन फ्रूट नहीं लगा इस पे, कीवी और ड्रैगन फ्रूट नहीं लगाए पेड़ पे, ड्रैगन फ्रूट लगाया था, कीवी ड्रैगन फ्रूट एवोकाडो कह रही, महंगे फ्रूट नहीं लगाए। इस पेड़ पे फ्रूट लगाने में तो किसका पार्ट खेल रहे हो आप, किसका पार्ट खेल रहे हो, नहीं नहीं चक्रव्यूह में, अरे बताओ तो सीक्रेट बात है, सीक्रेट है, सरप्राइज। चाचा ने अर्जुन की आंखें लगा लिया, अर्जुन की आंखें लगा लिया, इसी ने बनाया था खाना, इसने बनाया था, मेरी प्यारी बहन ने खाना बनाया था, गरम किया था खाली, रीहीट किया था भैया, पे बजाना था ना, ये बजाओ, मैं नहीं बजा रहा, बजा तुम, बजा बजा, सबस सबस, मैं नहीं होता है लेकिन बन गया, कृष्ण है ना कपड़े, कृष्ण कपड़ों से नहीं पता लग रहा, क्यों तुम लोगों ने ऐसे कर दे, एक बार उनको बोल ले कृष्ण को, भैया आप बजा मैं से समाज में बेइज्जती करना चाहता अपनी, मैं कोने में जाके तय करूंगा पहले, ए गाने बज गया क्रिश, बेइज्जती करा दी तूने समाज में, ऊपर वाले ओट से बजा रहे क्या, सोचा रहे हैं पीयूष अकेले में जाके तैयारी कर रही है, वैसे थी हो रही है, नेहा जी बजाएगी, नेहा बजाएगी, चलो थर्ड, सवा सवा हाँ खाली हो, पांडव लीला का प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, ये खेत सब हमारे हैं, कल को यहाँ कोई मॉल बने तो ही अपन लोग को पैसा मिलेगा, नहीं तो ये चिंदी बराबर है सब, सब्जियां उग रही है इसमें 10-10 रुपए की, वही बंदर खा रहे हैं हमारे पेड़ के आम बंदर खा रहे हैं, अमरूद बंदर खा रहे हैं, 25,000 का आइटम, और इसकी आंख लाल कैसे हो गई, ए मेरा 25,000 रुपए, मेरे 25,000 रुपए, इधर देख, नो फोटो नखरे, देखो 25,000 के नाम पे, नो फोटो वाली, हाँ भेजता हूँ, जैसी नेट क्या लग गया इसमें, ये उसको चॉकलेट खाने को दी उससे, वो भी नहीं खाई गई, बिल्ली को, बिल्ली
25,000 वाली बिल्ली? नहीं नहीं। अच्छा बड़ी वाली बिल्ली? हाँ। अच्छा एक्टिवेटर है ना। तो इस लड़के का बर्थडे 18 किलोमीटर दूर ले जा रहा है कि भैया मेरे साथ केक लेने चलो मेरे बर्थडे का। यार 18 किलोमीटर तो मेरा ऑफिस का डब्बे, मेरा स्कूल का डब्बे, मेरा ऑफिस 12 किलोमीटर दूर है बस। यार 18 किलोमीटर दूर वही पहाड़ों में, यहाँ कि देखो रास्ता, ये हमारा हाईवे है। हे फैम, सो आज पीयूष नेगी का बर्थडे है, छोटे चाचा के छोटे बच्चे का। सो हम 18-20 किलोमीटर दूर उधर प्रयाग जा रहे हैं स्कूटी से। ये देख सकते हैं रास्ता, टाइम लैप्स बनाया है। सो थोड़ा थोड़ा रोड जगह पे सही है, थोड़ी थोड़ी जगह पे बेकार है। ये हम बीच में रुके हैं, ये देख सकते हैं अलकनंदा नदी बह रही है। तो हमें इतना नीचे जाना है अभी कि बिल्कुल फुल अलकनंदा नदी के बिल्कुल पास में है। तो अभी हम जस्ट मिड पहुँचे हैं, तो ब्यूटी तो देख सकते हैं कितनी मस्त है। तो ये नदी बह रही है, अलकनंदा शोर करती है काफ़ी। देखो सामने क्या हरे भरे खेत हैं, मस्त करके कोई गांव है वो भी। सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शूट वूट किया, उसके बाद ये देखिए ये आ गया है रुद्रप्रयाग का पुल। सो ये नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, ये रुद्रप्रयाग पूरी मार्केट है। फाइनली हम पहुँच गए हैं 20 किलोमीटर, लेकिन आने में 1 घंटे से ऊपर लगता है आराम से, क्योंकि 20 की स्पीड पे चला सकते हैं, कहीं पे और स्पीड स्लो होती है। सो ये यहाँ पे अब देखते हैं, हमें केक लेना है, मोमोज और समोसे लेने, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। ये देख सकते हैं मार्केट से बिल्कुल व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। बस तार वार थोड़े ज़्यादा हैं, बट ये पुल पे कुछ काम चल रहा है पेंट वेंट का। ये हमारी रुद्रप्रयाग मार्केट, जहाँ केक ढूंढने के लाले पड़ गए, पर मिल गया केक भी, मिल गया मोमोज भी मिल गया। यहाँ डेरी किस मिली हमें, बहुत अच्छी वाली डेरी किस, डेरी मिल्क के डुप्लीकेट, डेरी मिल्क का बेटर वर्जन। अगर आपको काम नहीं हो रहा होगा ना, नहीं तो एक बार आगे पे। अच्छा हाँ, हो सकता है। ये है हमारी अलकनंदा है ना, अब अलकनंदा ही तो है। वाह, कितना, ये हमारी गांव की नदी है। हमारे गांव की तो फेरी पड़ता है, हमारे गांव की नदी, यहाँ फेरी का पानी मिलता है। बहुत महंगा है रुद्रप्रयाग, 15 रुपये का समोसा, पनीर वाला 60 रुपये मोमोज के प्लेट, 8 पीस 60 रुपये के। कितना मनमोहक व्यू है, पीयूष की बर्थडे की शॉपिंग हो गई है। अब हम जा रहे हैं केक को 20 की स्पीड पे लेके, ताकि केक खिलना जाए, क्योंकि 20 से ऊपर वैसे यहाँ अलाउ भी नहीं है। 30 चला सकते हैं, 30 से ऊपर तो खुद ही नहीं चला सकते रोड़े देख के। जरा जरा सी बात में मोड़ आ जाता है, एस्केलेटर देने से पहले मोड़ आ जाता है। ये देखिए पूरा पहाड़ काट डाला है, ये हमारा बुलडोजर है, ये भी हमारे डोजर लगे हुए हैं पूरे काम में। पूरा पहाड़ काट दिया यहाँ से यहाँ तक, उधर की रेत भी उठा ली कुछ, देखो रेत रख दी बड़ी रेत, पूरा पहाड़ काट डाला है। यहाँ देखो रास्ता बना रखा नीचे आने के लिए, ये रुद्रप्रयाग का ट्रैफिक कम करेगा ये पुल। और ये यहाँ पे टनल और बन रही है, ये टनल भी कुछ अंदर जा रही है, रिकॉर्डिंग करना मना है टनल के अंदर की, तो बाहर से कर रहे हैं। स्पीड लिमिट 20 है। ये हमारे सूरज भाई हैं, और ये हमारे सबसे छोटे भाई हैं। ओके बाय 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 बाय। गाइस हम रुद्रप्रयाग से मधोला जा रहे हैं, आते हुए हमने कोई और रास्ता लिया, जाते हुए हमें लग रहा रास्ता अलग है, भटक गए। लेकिन हमारा घमंड पूरा है, लेकिन हमारा घमंड पूरा है, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि पीयूष का कहना है कि 5-6 साल पहले उसने ऐसा कुछ रास्ता देखा था, तो शायद यही है, उसके 1% कॉन्फिडेंट पे ही हम चल रहे हैं। पूरा किसी तो गांव जाएगी, उस गांव में जाके पूछेंगे, क्योंकि बंदा कोई है नहीं, ना बंदा है ना परिंदा है, बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट दिखना है। बर्थडे पार्टी करेंगे, केक तो हमारे पास है ही, मोमोज और समोसे है ही, तो या तो सबके साथ खाएंगे या अकेले खाएंगे, खाएंगे तो है ही। रोड तो सही बन रखी है ऐसे, लेकिन भाई स्लो बहुत खतरनाक है इसमें, न्यूट्रल आने के लिए बढ़िया। हाँ आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारी गाड़ी में तेल भी नहीं है।
हमारी गाड़ी में तेल भी नहीं है, हम पे घमंड पूरा है, घमंड पूरा है, हम घमंड से गाड़ी चलाएंगे। हाँ कोई आया, कोई आया, कोई आया, कोई तो आया, हम इससे भी नहीं पूछेंगे, हम खुद जाएंगे, हम अपना स्वाभिमान को नीचे नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते लोग हमें बोले कि रोज गांव आया करो तभी रास्ता पता लगेगा। साल में एक बार आओगे तो नहीं पता लगेगा। शायद हम उसी रास्ते पे मिल चुके हैं, हमें इस वाले रास्ते जाना था, शायद हम उसी रास्ते पे आ गए हैं। ये दिखाने चक्कर में थोड़ा भरता हुआ। हाँ जाते हैं हम सीधे वाले रास्ते से गए थे फाइनली। अब सबके साथ खाएंगे, सबके साथ खाएंगे, हमारे घमंड की जीत हुई। हाँ मंदिर आ गया। ये रास्ते जितने आसान दिख रहे हैं उतना ही नहीं, कहीं कहीं पे बहुत चौड़े हैं, कहीं कहीं पे बहुत पतले हैं। दो गाड़ियां आपस में आर पार होने के लिए दूर से देखना पड़ता है और एक गाड़ी को रुक के पहाड़ की साइड चढ़ाना पड़ता है अपनी गाड़ी को। यही है बस। अगली बार जब आएंगे तो रेल से ही आएंगे, ट्रेन की टर्न बन रही है। अच्छी गाँव थी ना, रेल की जो टनल थी ना, मधोरा आई थी पता। लेकिन अभी तक उजाला था और एकदम से अंधेरा हो गया है, लाइट जला रखी है, देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता हो गया। रात के समय घर से 5-6 बार कॉल आ गया है, कहाँ हो कहाँ हो। हमें लगा था टाइम से पहुंच जाएंगे बट टाइम से नहीं पहुंच पाए, रात हो गई है। हालांकि 6:30 हुआ है लेकिन अंधेरा देख सकते हैं कितना हो गया है। तो यही है गाँव में 5-6 बजे बाद अंधेरा इतना खतरनाक हो जाता है। रास्ता तो सही है, मुझे ये धान के पौधे हमारे मधोला में ही है, बस मम्मी बता रही थी ऐसे कहीं नहीं। हाँ ये पहाड़ भी था कुछ तो, अभी तो बहुत पीछे है, धीरे चल रहा हूँ ना, तेज थोड़े चल रहा हूँ। हमें आते हुए ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हमें जाते हुए टाइम, जबकि हम कितनी बातें करें इतनी बात तो हम आते हुए भी नहीं करें। नहीं जाते हुए भी करे थे, हाँ मैं तुझे बता रहा था वो। सो फाइनली बस हम पहुंचने वाले ही हैं। सो उजाला भी जल्दी हो जाता है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, बस ये है कि दिन में अच्छी खासी धूप आती है, सुबह शाम तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा। सो ये हम पहुंच गए हैं बस। चल गाइस, आज लाइफ में पहली बार बैठ बैठ के थक गया हूँ। 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहाड़ों में स्कूटी में धचकियां लगाते हुए केक को बचा के लाए, थक गए। कब घर जाके बताएंगे केक बचा नहीं बचा, रात इतनी हो गई है। चलते हैं अब घर चलते हैं। चलो पीयूष का है, फोटो काटो केक काटो। चल इसमें भी लगी है, अरे खत्म था। अच्छा केक ही मिल गया ना, वही बहुत है, केक ही मिल गया। ठीक है भी ठीक है। चलो भाई फोलो बटा भाई, नीचे उठाऊंगा पर दिखाना ऊपर कर दो बेटा। अरे उसमें नहीं देखना, खाली नीचे एक्शन करना। चलो गाना गाओ सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ढुमा रखा है। देखो ये तो भी फ्रेम में नहीं आ रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा, उधर जा। कैमरा मैन आइए, चलो 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 चलो, क्लोजअप लेके। मैं तो वीडियो बना रहा हूं बस। चलो नेक्स्ट नहीं आगे बढ़ो, टाइम खाली टच मत करना, उन्हें देखो पार्टिन भी बाजू में से बांदर भी कौन बांदर रात में। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी आता, वो भी आ जाएगा, जल जल लोग ले आइए। फोटो खींचो, फोटो खींचो, सही बोल रहे हैं आप। जहां से मैं रहता हूं मेरे से बड़े भाई हो गया। दूसरी 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 चलो हम खुद ही के साथ थे। यहाँ घूर आ रहे हैं, चलो हो गया प्री वेडिंग। चलो
चाय पी वहाँ पे छाला हुआ वो फोटो खींचने का पीस है खाने का पीस नहीं वही तो बोल रहा हूँ इसको खिला ही नहीं रहे अरे इसको खा दे यार तो ये ड्रामा देखो तो चलो नेक्स्ट पेट भर यार पेट तो मैंने भर अब हो गया हाँ ये नस्ली बात अलग फीस सामने दी होनी उनके नहीं दी होनी तब अब वही ओके कह दे यार अच्छा हाँ चलो आप तो खाई लोगे आप फूल ही खा रहे हो इधर आया उसमें हो ना लाइट में फिर आप दोनों वो खिलाए यार उसको ज्यादा खिलोगे चाचा तो खा रहे हैं चाचा खिला दे हाँ यार खिलाने का हमने भी नहीं की फोटो इसमें से लो ना खिलाओ नीचे का खिला रहे नीचे पत्थर जाए अरे खिलाने वाली फोटो तो खिलाने वाली भी लगाने वाली भी हाँ लगाने वाली अभी नहीं लगाना आप वो तो बाद में देखेंगे अरे क्या कह रहे हो लोग होने के तो मम्मा सही था बोलो क्या लगा खाना भाई खाना चाचा भी आ जाओ देखिए ना मेरा हो गया ना मैं तो लगाने मेरे साथ में इधर देखो चलो आप वहाँ बचा आयु नीचे नहीं दी भैया चलो बच्चे बच गए सारे क्या कैमरामैन बच कच्चे चलने का शर्म आ रहा है इसके फोटो आप खींच ना पहले खींच इधर देखो दोनों हाँ अब बाद में चमके बाद में फोटो लेंगे चलो अभी एक साथ निपट लो टाइम नहीं है चलो इधर देखो सब अंदर रख दो चलो अंदर करो इसको बस हो गया थक गए होंगे वो बेचारे जल्दी कर उनको थक गए होंगे वो खड़े खड़े बैठ जाओ चलो इस लड़के की बर्थडे पार्टी हो गई है हम मोमोज लाए थे मोमोज ठंडे हो गए तो गाइस हम मोमोज गरम कर रहे हैं गांव में ये देखियो देखिए ये हमने आग लगाई हुई है ये हमारी हांडी है मेरे मोमोज है हांडी में मोमोज पक रहे हैं बाय शेफ हिमांशु नेगी यस शेफ सिर्फ गरम करने वाले ये हमारे मोमोज हो रहे हैं एक और शेफ बड़ी सी कुछ ले आई है ये नई डिश है गाइस इसका हम पेटेंट करने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में ये हमारी फिजिक्स प्रोफेसर ने बताया फॉर्मूला हमारे फिजिक्स प्रोफेसर ने बताया ये देखो ये अपना प्रमोशन कर रही भिखारियों की तो कमी नहीं है दूसरा काम में कमी भाई बोल ये मोमो खाते हुए चूल्हे वाले अबे चूल्हे वाले शक्ल भी दिखा रहा हमारे ये मैं ये बड़े भैया ये ताऊ जी ये छोटे भैया बाकी तो बुक्कड़ आ रहे हैं बाकी हम गिनते नहीं है इस दो का मतलब यह कि सबके हिस्से में दो दो मोमो है नहीं देसी स्टाइल पहाड़ी स्टाइल में मोमो और मेरा इस का मतलब समझ गए होंगे तुम चार खा गए बहुत अन्याय बुलाने पांडव लीला सीन नंबर 10 टेक 3 गाइस हम आ चुके हैं सीट भर गई है चाची ने बोला है कि पैर फैला के बैठना बोलना हमारे पैरों में दर्द हो रहा है इनकी वजह से लेट हो रहा है चलो 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 लाइट क्या है बोरे हो ये रे क्लोजअप दे रहे हैं सो एंड ऑफ द डे पांडव नृत्य से लेके और भी वीडियोस हैं चैनल में प्लीज उसको जाइए देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट